हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। और दोस्तों, आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ मैं अपनी जर्सी की जो कलेक्शन है मेरे पास वो शेयर करूं। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक चेल्सी फ़ैन हूं, तो ज़्यादातर जो ये कलेक्शन है मेरी फ़ुटबॉल जर्सीज़ का, इसमें चेल्सी की ही जर्सीज़ होंगी। तो दिखाना चाहूँगा आपको क्या क्या है मेरे पास। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, दिस इज़ द होम किट, चेल्सी की होम किट फ्रॉम लास्ट सीज़न, 2021 वाले सीज़न की ये होम किट है जो मैं अक्सर पहनता हूँ अपने वीडियोज़ में। इसके अलावा आई हैव दिस जर्सी विच आई लाइक वेरी मच, दिस इज़ चेल्सी होम किट 9-10, कार्लो एंचेलोटी का जो फर्स्ट सीज़न था उसके टाइम पे हमने ये जर्सी पहनी थी। तो ये एक मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जर्सीज़ ये मेरी एक दोस्तों, ये लास्ट सीज़न ही नाइकी एयर कैजुअल वेयर निकाला था चेल्सी ने, तो ये एक बहुत ही अच्छी जर्सी, काफ़ी मतलब कैजुअल भी आप इसको बाहर पहन सकते हैं और लुक अच्छा आता है, स्पोर्टी और कैजुअल लुक एक साथ, तो काफ़ी अच्छी जर्सी ये भी। फिर दोस्तों, ये 17-18 वाली जर्सी, जब नाइकी ने फर्स्ट जर्सी बनाना चालू किया चेल्सी के लिए। नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस जर्सी, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, प्लेन ब्लू एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ माय नेम एट द बैक, शाश्वत। देन वी हैव 1920 सीजन से जो हमारा अवे किट था वाइट कलर का, ये दैट इज़ दिस किट, काफ़ी अच्छा है ये, काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी एलिगेंट है, एंड आई लाइक दिस जर्सी ऑल्सो। देन वी हैव होम किट 1920, ये जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टैमफर्ड ब्रिज का जो आर्किटेक्चर है उसका आर्किटेक्चरल प्रिंट था इस पर। और दोस्तों, काफ़ी मतलब ये एक मेमोरेबल सीज़न था हमारे लिए, वी सॉ फ्रैंक लैम्पार्ड मैनेजर्स फॉर द फर्स्ट टाइम और काफ़ी अकेडमी प्लेयर्स भी आए, तो ये जर्सी काफ़ी मतलब उस चीज़ को सिग्निफाई करती है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट जर्सीज। ऑब्वियसली सारी जर्सीज ही मेरी फेवरेट हैं, पर ये एक स्पेशल प्लेस होल्ड करती है मेरी कलेक्शन में। थोड़ा सा इसका जो मेरा नाम लिखा हुआ है पीछे, वो थोड़ा प्रिंट निकलने लगा है, पर इतनी ज़्यादा पहनी मैंने ये कि ये तो ख़राब होती ही हैं चीज़ें। उसके बाद दोस्तों आएंगे एक जर्सी जो काफ़ी पुरानी है, 10-11 सीज़न की, ये जैसा आप देख सकते हैं, ये वो जो काउंटरफिट जर्सीज़ होती हैं, फेक जर्सीज़ होती हैं, वो है ये, नो एडिडास लोगो, और आप देख सकते हैं टॉरेस लिखा है इसके पीछे। आई बॉट इट बिकॉज ऑफ फर्नांडो टॉरेस, बहुत ही बड़ा फ़ैन था मैं फर्नांडो टॉरेस का, और ये उस टाइम पे ज़्यादा ओरिजिनल जर्सीज़ लेने की मतलब हमारी ना हैसियत थी, ना मिलती थी, इजीली अवेलेबल नहीं होती थी इंडिया में उस टाइम ओरिजिनल जर्सीज़। तो ये एक काउंटरफिट जर्सी जो आपको किसी भी मतलब रोड साइड वेंडर से मिल जाती हैं, तो उस तरीके की एक जर्सी है ये। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, बट हाँ ठीक है, उस टाइम चेल्सी दिखा, टॉरेस दिखा पीछे, तो आई गॉट इट। अब मैं पहनता नहीं है जर्सी ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों एक और काउंटरफिट जर्सी, दिस इज़ सीज़न 8-9, और जैसा आप देख सकते हैं लैम्पार्ड लिखा है पीछे, और ये है वो जर्सी, और आप देख सकते हैं मतलब जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है नहीं, लोगो भी जो है चेल्सी का ऐसे ही बनाया हुआ है काफ़ी एमेचर तरीके से, लेकिन ये भी जर्सी मैं बचपन में बहुत पहनता था। और आप देख सकते हैं एडिडास के सिर्फ दो ही स्ट्राइप्स है, तीन की जगह, काउंटरफिट जर्सी है ये भी, लेकिन अगेन अगर आपको दिखती थी कहीं भी जर्सी चेल्सी की या कुछ भी आपको चेल्सी से रिलेटेड मर्चेंडाइज दिखता था तो मैं तो उठा ही लेता था। देन आई हैव दिस 16-17 वाली जर्सी, एंटोनियो कॉन्टेस फर्स्ट सीज़न, इसमें मतलब इमिटेशन करने की कोशिश करी है, बट अगेन जो क्वालिटी है वो दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क, और थोड़ा आप देख सकते हैं कि मतलब जो कॉलर है काफ़ी चौड़ा हो चुका है इसका, और ठीक है, ड्रॉगबा मैंने प्रिंट करवाया था इस पे पीछे, तो नॉट बैड, बट ठीक है अब। एंड देन वी हैव वन ऑफ माय फेवरेट जर्सीज, ये दोस्तों 15-16 सीज़न की, ऑब्वियसली 15-16 सीज़न हमारा मतलब वाज वन टू फॉरगेट, 10th फिनिश किए थे हम प्रीमियर लीग में। ये ओरिजिनल जर्सी है दोस्तों, एडिडास के शोरूम से ख़रीदा था मैंने इसको, तो काफ़ी अच्छी जर्सी है ये, मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स, अभी भी पहनता हूँ तो काफ़ी अच्छा फिट होता है। गलती से इसका जो आप देख सकते हैं प्रिंट, इस पर मैंने आयन मार दिया था, तो प्रेस करते समय इसका जो है ये थोड़ा सा निकल गया है, मेरी गलती की वजह से हुआ था। तो अगर दोस्तों आपके पास ऐसी जर्सीज हैं रबड़ प्रिंट वाली, तो उस पर आयनिंग ना करें, आयरन करेंगे तो इस तरीके के आप गर्म आयरन लगा के ख़राब कर सकते हैं अपनी जर्सीज़ को, आई लर्न इट द हार्ड वे, तो आप सेम गलती ना करें। और ये भी एक अच्छी जर्सी, एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट, मेरी सबसे फेवरेट, द मोस्ट अमेजिंग जर्सी दैट आई है, दिस इज़ फ्रॉम 2012
चैम्पियंस लीग फाइनल, तो जैसा आप देख सकते हैं चैम्पियंस लीग का लोगो, रिस्पेक्ट वाला लोगो, एंड ऑफ कोर्स वी हैव ड्रॉगबा एट द बैक, आप देख सकते हैं ड्रॉगबा 11, माय फेवरेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, वी हैव हिम एट द बैक, तो ये मेरी सबसे फेवरेट जर्सी है. देन वी हैव दिस 1450 सीजन की थर्ड जर्सी, थर्ड किट थी हमारी, येलो किट थी, एवर्टन को हराया था हमने 6-3, का आपको मेमोरेबल मैच याद होगा जिसमें डिएगो कोस्टा ने गोल मारे थे, ब्रानिस्लाव इवानोविच ने गोल मारे थे, तो ये वो जर्सी, ये भी काफ़ी अच्छी जर्सी, 14-15 सीज़न की थर्ड किट, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी जर्सी मेरे कलेक्शन में. एक ये काफ़ी पुरानी मेरे पास टी शर्ट पड़ी है विच सेज फर्नांडो टॉरेस चेल्सी इज़ नंबर 9, जैसा आप देख सकते हैं, मतलब ठीक है कॉटन की एक टी शर्ट नॉर्मल, लेकिन काफ़ी पहनता था मैं इसको, अब तो खैर ये काफ़ी मतलब बड़ा साइज़ है, मैं बहुत पहले मोटा हुआ करता था, अब अभी भी हूँ थोड़ा मोटा, लेकिन मतलब ये अब जर्सी फिट नहीं आती मेरे पर, ठीक है मतलब ये तो काफ़ी एक इमोशनल अटैचमेंट इस जर्सी से भी. और नॉन चेल्सी जर्सी की बात करें दोस्तों, तो एक ये जर्सी है मेरे पास, अगेन काउंटर फिट जर्सीज ही हैं ये सारी, तो इंग्लैंड की जर्सी ये डेविड बेकहम, ये मैंने 2010 वर्ल्ड कप के आसपास ख़रीदी थी ये, तो पहनता था इसको मैं पहले काफ़ी, बट अब मतलब पहनना नहीं होता इसको, अंदर से आज निकाली काफ़ी टाइम बाद, तो पुराने दिन याद है, तो ये एक इंग्लैंड की जर्सी. देन आई हैव दिस, ये लिवरपूल की अवे किट 08-09 वाली, अगेन टॉरेस लिखा हुआ पीछे, वॉज अ मैसिव टॉरेस फैन तब भी, तो ये आप जैसा देख सकते हैं एडिडास है इस पे, बट दो ही स्ट्राइप्स, काउंटर फिट, लेकिन काउंटर फिट के हिसाब से बाकी इमिटेशन काफ़ी अच्छे हैं इसमें. और जैसा आप देख सकते हैं कार्लसबर्ग वाली ओरिजिनल जर्सी लिवरपूल की, जो पहले होती थी मिड 2000s में, तो एक ये है. एंड ऑफ कोर्स देन आई हैव लिवरपूल की होम किट सेम सीजन की 8-9 कार्लसबर्ग, एंड आई हैव स्टीवन जेरार्ड एट द बैक, तो जेरार्ड मुझे काफ़ी पसंद थे, तो एक ये जर्सी मिली तो मैं लेके आया. और एक लास्ट जर्सी जो मेरे पास है, लास्ट नॉन चेल्सी जर्सी, और ये है दोस्तों इंडिया ये इंडिया की क्रिकेट की जर्सी, होम जर्सी हमारी, तो काफ़ी अच्छी जर्सी है ये भी, आप देख सकते हैं क्वालिटी वगैरह अच्छी है इसमें, सारे मतलब जो भी लोगो वगैरह हैं काफ़ी अच्छे से प्रिंटेड हैं, तो बढ़िया जर्सी है. और भी जर्सीज थी दोस्तों मेरे पास, बट क्या होता है आप जो कपड़े नहीं पहनते हैं और जो आप इकट्ठे करके रख लेते हैं, तो मम्मी अक्सर सफाई के दौरान उनको दे देती हैं तो वही हुआ मेरे साथ, कब मेरी बहुत सारी जर्सीज दे दी गई, रोनाल्डो मेसी ये सारी जर्सीज भी थी मेरे पास एक टाइम पे, बट कोई नहीं, दिस इज़ द कलेक्शन दैट आई हैव विद मी राइट नाउ. और अभी इस सीज़न की भी जर्सी हम लेंगे थोड़े दिन में. तो ये था दोस्तों, अगर आपको जानना है कि ये जर्सीज़ मैं कहाँ से मंगाता हूँ, तो प्लीज़ DM मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूँगा जहाँ से ये जर्सीज़ आती हैं, और यू कैन ऑल्सो गेट देम फॉर योरसेल्व्स. और अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो हेड ऑन टू योर क्लब्स मेगा स्टोर, आपके आप किसी भी क्लब को सपोर्ट करते हो उनकी वेबसाइट पर, तो आपको मिली जाएंगी. चलिए दोस्तों फिर ख्याल रखें अपना, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग. चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें. Take care of yourselves, take care of families, and don't forget to keep the blue flag flying high.